नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। आप देख रहे हैं न्यूज रशा। आज चिंता का विषय यह है कि जो हमास के पॉलिटिकल लीडर हानिया की मृत्यु हो गई है, उसके बाद वर्ल्ड सिनेरियो, एशिया सिनेरियो क्या होने वाला है और साथ साथ इन तमाम चीजों का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। इसी सब बातचीत के लिए हमारे साथ विनीता यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश की, आप रोज उन्हें देखते हैं सुनते हैं। साथ में वाहिद नसीम जी हैं, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। वाहिद साहब, ये जो कुछ हुआ है इसका कुछ तो असर पड़ेगा, क्या ये अगले मुस्लिम वर्ल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड का कोई युद्ध होने वाला है या मात्र कुछ आतंकी संगठन और बैकअप में ईरान या इसमें अमेरिका और रूस की एंट्री होने वाली है और इन तमाम चीजों का वर्ल्ड सिनेरियो और भारत के दृश्य से क्या असर पड़ने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है और आपसे बेहतर इसे और कोई हमको समझा नहीं सकता। जी राजीव जी, इस पर तो मुझे ही बोलने का मौका दीजिएगा क्योंकि मैं ही बोल दूंगा कि सारी सिचुएशन क्या है। देखिए, जो हानिया, इस्माइल हानिया, जो आज ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर जिनकी हत्या कर दी गई है, अभी तक वाजे नहीं हो चुका क्योंकि उड़ती उड़ती खबर ये है, उड़ती नहीं, कहीं आउटलेट ये बता रहे हैं अरब न्यूज की माने तो कि मिसाइल से हमला हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनल हमला हुआ है। वहीं पर जो है इजराइल के जो अपने अखबार हैं उनका, उनमें एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि उसमें से इशारा कर रहे हैं कि शायद ये जो है उनका काम है। एक चीज इसे समझनी पड़ेगी कि इससे पूरी दुनिया के धड़ाधड़ धड़ाधड़ बयान आ रहे हैं, ये इसमें कोई वर्ल्ड का नेता इस वक्त अछूता नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिक सेंटर इजराइल और गाजा और फिलिस्तीन बना हुआ है। हालांकि इससे कहीं बड़ा युद्ध जो है वो यूक्रेन के अंदर चल रहा है, जहां पूरी दुनिया एक तरफ है और रूस एक तरफ है। पूरे नाटो के जो उनकी एड्स हैं, उनके हथियार हैं, उनके आधुनिकतम हथियार हैं, वो सब के सब वहां पर दफन हो रहे हैं जिन्हें रूस दफना रहा है। मगर हानिया की जो हत्या है, इसका वर्ल्ड सिनेरियो और मौजूदा युद्ध पर एक इतना खतरनाक असर पड़ने वाला है जिससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा, ये भी समझ गए आप। देखिए, जिस जो मसूद है उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली थी, उसका फंक्शन चल रहा था, उसमें हानिया शामिल होने आया था जो मेहमान खुसूसी था। तो यहाँ पर मेहमान, स्पेशल मेहमान के तौर पर हानिया का बुलाया जाना और फिर उसमें शामिल होने से पहले हत्या कर देना, या मतलब शामिल होते हुए हत्या कर देना, ये कुल मिलाकर ये एक ऐसा मामला है कि ईरान की जो टोटल राजनीति है वो समझे आप, ईरान की मुस्लिम जगत पर या गल्फ में जो टोटल राजनीति है, कूटनीति है, वो सिर्फ इस बात पर आधारित थी कि वो हमास का सहयोगी था और हमास और मस्जिद अक्सा, जो मुसलमानों में एक बहुत ही बड़ी अहमियत रखती है, वो मस्जिद अक्सा की जो लड़ाई थी और फलस्तीन की आजादी की जो लड़ाई थी उसको बैकअप और उसको सपोर्ट करने वाला ईरान, जिसका सबसे टॉप लीडर, इसको पॉलिट ब्यूरो का चीफ आप मान सकते हैं एक तरह से हमास के, हालांकि गाजा के अंदर जो सरकार चलती थी उसकी, उसके बाकायदा जो है ये अध्यक्ष रह चुके थे जो हानिया है। तो हानिया की इस वक्त जितनी भी पीस डील चल रही थी, मतलब वो चाहे अमेरिका बात कर रहा था, रशिया बात कर रहा था, ईरान करा रहा था या मुस्लिम जगत करा रहा था, चाहे वो पेरिस में समझौता, ये समझौते पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, वो इस्माइल हानिया था। अब दूसरा कोई ऐसा लीडर हमास का नजर नहीं आता है इस वक्त जो वर्ल्ड सिनेरियो पे इतने बड़े लेवल पर हो, जो हमास की कंट्रोल या उनकी फाइनेंशियल रीड या उनके पॉलिटिकल विंग को लीड कर सके सुलझे हुए तरीके से। इसे हानिया की हत्या को आप ऐसे मान सकते हैं कि हमास का सर कलम कर दिया गया है और अब जो हमास बचा है गाजा के अंदर वो बिना सर के धड़ बचा है। तो अब हालांकि इस्माइल हानिया से पहले लेते हैं, लेकिन लेकिन इसे और मुझे जो लगता है आप ब्रीफ कर पाएंगे, क्या ये इन्होंने माचिस की तिल्ली डाल दी है तेल के कुएं में, ये आग इतनी नहीं है कि तुमने एक को मार दिया? नहीं नहीं, मैं देखिए, सिर्फ एक को नहीं मारा है ना, ये वाटर लेवल चेक होता रहा है, ये वाटर लेवल चेक होता रहा है मुस्लिम जगत का, और वाटर लेवल कैसे चेक कर किया जाता रहा है, ये वाटर लेवल राजीव जी ऐसे चेक होता रहा है कि
पहले ईरान का जनरल सुलेमानी, जिसे इराक के अंदर ड्रोन हमले में ट्रंप सरकार ने मार दिया, जो एक बहुत बड़ा लीडर था, जिसकी संभावना यह थी कि जो सुप्रीम लीडर होता है ईरान का, वो उसकी गद्दी पर बैठने वाला था। तो इंटरनल बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी भी की गई, बातें भी आई, वो एक अलग मुद्दा था। मगर एक असल जो वजह थी कि उसके अलावा आपने देखा कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें मुख्य मंत्री और मुख्य जो थिंक टैंक था वो उनके साथ बैठा हुआ था, अचानक वो क्रैश हो जाता है। और वो क्रैश होने के बाद जब रईसी की मौत हो जाती है, तो उसके बाद ही यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और मसूद जीत कर आ जाते हैं। उसी का फंक्शन जो है वो होने वाला था, जिसमें हानिया शामिल होने आए थे और उसी में उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो एक बात मैं यहाँ राजीव जी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुस्लिम जगत की जो स्थिति है वो बड़ी फंसी हुई है। मुस्लिम जगत के जो आम जनता है वो ये मानती है कि ये जो ईरान लड़ रहा है या सऊदी अरब लड़ रहा है या हमास लड़ रहा है या हिजबुल्ला लड़ रहा है, ये सब कुछ ऐसा लगता है बजाहिर तो सामने से कि ये इस्लाम की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये इस्लाम को जिताना चाहते हैं और इसमें ये जो है ये सारी इस आजादी की लड़ाई कर लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इनकी नैतिकता, एक तरफ पूरी दुनिया रेडिकल इस्लाम, आतंकवादी इस्लाम, इस्लामिक आतंकवाद, ये तमाम जुमले आप सुनते होंगे बड़े ध्यान से, मगर आपने ये देखा कि इजराइल और अमेरिका किसी भी नेता को चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो, वो उसे जो है आतंकवादी करार देकर मार देते हैं, और किसी भी देश की फौज हो, पूरी की पूरी फौज को आतंकवादी घोषित कर देते हैं। हिजबुल्ला जो लबनान के अंदर जो है, कुछ लोग उसे आतंकवादी मानते हैं तो कुछ लोग वहां की चुनी हुई सरकार मानते हैं, वो सरकार चलाते हैं। यमन के लोगों ने, ठीक है वहां भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो भी पॉलिटिकल विंग है। अब अमेरिका जिसे आतंकवादी कहते हैं वो आतंकवादी, अमेरिका जिसको मतलब उन्हें मारना होता है वो उसके ऊपर छोटा सा कोई इल्जाम लगाते हैं, उसको मार देते हैं। नैतिकता नाम की कोई चीज इसलिए नहीं होती कि लगातार इजराइल सिर्फ और सिर्फ बच्चे और औरतों पर मार रहा है और गर्ल्स स्कूल, चाइल्ड स्कूल, वो कहता है यहाँ मौजूद था फला आतंकवादी, इसलिए हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। ये बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट का, इंटरनेशनल लॉ का पूरा वायलेशन करता है, मगर दुनिया खामोश रहती है और वो करता चला जाता है। मैं एक बात, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको ताना नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, बल्कि मैं दूसरे पक्ष पे आता हूँ। अब मैं मुस्लिम जगत और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देखता हूँ, इंक्लूड रशिया को भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। रशिया और चाइना और ये पूरा मुस्लिम जगत, एक भी कदम ऐसा नहीं अभी तक इन्होंने उठाया जिसे ये कहा जा सके कि इन्होंने वायलेशन किया है इंटरनेशनल मानकों का। अगर इन अंतरराष्ट्रीय मानकों का ये कोई उल्लंघन नहीं करते हैं, जबकि पुतिन जब चाहे 2 घंटे के अंदर जेलेंस्की को मार सकता है, जब चाहे जो है वो मतलब मुस्लिम जगत के लोग जब चाहे नेतन्याहू को मार सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी 6 दिन पहले हिजबुल्ला ने बाकायदा उनकी एक रेकी, अपना ड्रोन जो है उन्होंने दिखाया और कौन अधिकारी कहाँ बैठता है वो दिखाया, और दिखाकर ये धमकी दी कि हम कोई नैतिकता नहीं मानेंगे, युद्ध की सारे नियम पार कर देंगे। अरे भाई, इजराइल और अमेरिका तो किसी युद्ध के कानून को मानता ही नहीं है। अगर ये लोग ये कहते हैं हम युद्ध के ये कर देंगे, ये लाल रेखा पार कर देंगे, वो लाल रेखा पार मत करना, और ये पिटते जाते हैं, इनमें घुस भरा जा रहा है, इनके लगातार जो है राष्ट्राध्यक्षों को मारा जाता है, इनके तमाम चीजों को मारा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है राजीव जी। जो लोग हमें देखेंगे, सुनना चाहेंगे, वो कड़वा सच होगा, उसमें बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, पर मुस्लिम जगत का एक बहुत ही काला और भयानक सच ये है कि ये अभी कॉलोनियल एरा से बाहर नहीं आए हैं। मुस्लिम जगत के अंदर, इनके अपने नेताओं के अंदर, इनकी फौज के अंदर, इनकी जनता के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एजेंट होते हैं, और वो एजेंट जो है मुखबरी करते हैं CIA को, वो एजेंट मुखबरी करते हैं हमास को, वो माफ करना जो है मोसाद को, और इजराइल और अमेरिका के और ब्रिटेन के पेरोल पर हर देश के अंदर मुस्लिमों में से बहुत बड़ी तादाद है जो कि उनके रडार पर रहती है। वो जहां चाहते हैं इनके नेताओं के, इनके मजहबी नेताओं के, इनको किसी का भी वो कत्ल करवाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से करवा देते हैं। ईरान की स्थिति को आप समझें, ये बहुत ही लोगों को बहुत बुरा लगेगा मगर कड़वा सच समझें। ईरान एक ड्रामाबाजी करता रहा है, वो ड्रामाबाजी क्या है,
ईरान अमेरिका को उड़ा देंगे, अमेरिका के जहाजों को उड़ा देंगे, हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, और अगर अंदर घुसने की कोशिश की इजराइल ने तो फिर हम ये रेड लाइन होगी, इसको पार करते ही पता नहीं हम क्या कर देंगे। और एक चिड़िया का बच्चा ईरान से आज तक इजराइल का नहीं उखड़ सका, हालांकि हमास ने 500 से ज्यादा इजराइल के टैंक उड़ा दिए हैं। और मेरा ये मानना है कि इसमें इजराइल ईरान की कोई मदद नहीं है, ईरान बेसिकली मुझे सिनेरियो के तौर पर अमेरिका और इजराइल का खुला एजेंट नजर आता है जो उकसावा करता है। जिक्र किया कि सिर्फ ईरान की रेड लाइन है या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की 50-52 देशों की रेड लाइन क्रॉस की है इस बार? किसी की रेड लाइन नहीं है। मैं CIA के पूर्व चीफ मतलब जो है इस वक्त लैरी जॉनसन ने जो कुछ कहा है एक रशियन आउटलेट को जो है उन्होंने अपना इंटरव्यू देते हुए जो कहा है कि शायद ये रेड लाइन पार करने की कोशिश की गई है, तो मैं उस पर जरूर आपको बताना चाहूंगा। मगर इससे पहले मैं शायद प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईरान ने उकसावे का काम किया है जिसमें पूरा कारण मिलता है। ईरान जो है ईरान जब ये कहता है रेड लाइन ये मत करना, इजराइल वो कर देता है और ईरान बैठा रहता है। इजराइल के जनरल को मारा जाता है, वो कहता है मैं उड़ा दूंगा अमेरिका और इजराइल को, उड़ाता कुछ भी नहीं, खुद ही उड़ के बैठ जाता है। उनका राष्ट्रपति जो है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश सब जानते हैं, कोई क्रैश व्रैश नहीं हुआ, उसकी हत्या की गई है और वो हत्या हो चुकी है और ये कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद आज इस्माइल हानिया हमास के नाम पर पिछले लगभग 1973 के बाद से पूरी अपनी राजनीति को फोकस करने वाला ईरान अपने ही देश में अपने ही राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में लाकर हमास के पॉलिट ब्यूरो चीफ, पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ को मरवा देता है और वो कुछ नहीं उखाड़ पाता और ना उखाड़ पाएगा, लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ उकसावा करता है जिससे इजराइल को कारण मिल सके कि वो इजराइल हमला करे और फलस्तीन की जमीन को कब्जाता जाए। पहले दूसरे देशों ने भी यही नौटंकी की थी, अब ईरान भी यही नौटंकी कर रहा है मुझे जो नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए बड़ी सीधी सी बात यह है कि हिजबुल्ला अगर दिखाता है कि ये यहां बैठे, अरे भाई वो बच्चों पर मारता है, बच्चों के घरों पर मारता है, मगर ये उनके अधिकारियों पर भी हमला नहीं करते, ये कोई हमला ही नहीं करते, ये इनके गिल्ली डंडे उड़ाते हैं, कोई हमने ये बैटरी उड़ा दी, हमने वो बैटरी उड़ा दी, वो इनके मिसाइल जाते हैं इजराइल में, हमला करते हैं, सफल हमले होते हैं, मगर वो कहीं ऐसी जगह पे हमला नहीं होता जिससे इजराइल का इतना बड़ा नुकसान हो कि उसकी जड़ें हिल जाएं, उनकी राजनीति और कूटनीति हिल जाए। ऐसा कोई नुकसान ना हिजबुल्ला पहुंचा रहा है ना होती पहुंचा रहे हैं, सिवाय जो है वो व्यापार रोकने के लिए लाल सागर में, ये बहुत कुछ षड्यंत्र चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम जगत खुद इजराइल के साथ मिला हुआ काम कर रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। सिर्फ ये अपनी जनता जो धार्मिक सेंटिमेंट में पिछले 100 साल में इनका मूर्ख बनाकर जो है इनको अंधा कर दिया गया है, इन बेवकूफों का मूर्ख बनाया, माफ करना, इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं। ये पूरा मुस्लिम जगत ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो चीन और रशिया की रणनीति को खतरे में डालने का काम कर रहा है। इन्हीं के अपने बीच बैठे हुए गद्दार जो है वो पूरी तरह इजराइल की विजय चाहते हैं। और ये सबूत है कि कल उन्होंने जो है हिजबुल्ला का सेकंड नंबर का जो अधिकारी था, नेता था उनका, वो पूरा थिंक टैंक था, पूरी कमान संभालता था, एक बिल्डिंग पे हमला करके जहां पर 70 से ज्यादा लोग भी जख्मी हुए हैं, जहां पर 3 लोग और भी मारे गए हैं, उस पर हमला करके मारने का दावा इजराइल ने किया। हिजबुल्ला नक्शा दिखाता रह गया, यहाँ 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 तुम्हारे लोग बैठे, उखाड़ कुछ नहीं पाया। आज ईरान के अंदर जो कुछ घटना हुई है सब जानते हैं किसने की होगी और क्यों की होगी। ये CIA के पूर्व चीफ ने कहा है कि ये रेड लाइन जो है क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है ताकि दुनिया में उकसावा हो सके और पूर्ण युद्ध जो है वो ईरान के और जो है इजराइल के बीच में शुरू हो सके, जिससे धीरे धीरे सारे मुस्लिम जगत को इसमें शामिल करके इन्हें खत्म कर दिया जाए इराक और सीरिया की तरह। कुल मिलाकर ये मुसलमान नेता, मुसलमान अधिकारी, मुसलमान लोग ही मुझे लगता है कि इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ मिलके मुस्लिम जगत को फिर से इनके अंदर गुलाम कंट्री के तरह देने की तैयारी कर चुके हैं। और वो जो 70% जनता खत्म करवाने का फार्मूला है उस तरफ शायद वो बढ़ रहे हैं, पर ये परेशानी जो होनी है मुस्लिम जगत तो मुझे लगता है कहीं स्टैंड ही नहीं करता है।
वो तो धमकियां देता है। तुर्की ने भी, रजब अर्दोगान ने कहा था कि हमें लगता है हमें इजराइल में घुसना पड़ेगा। ये सिर्फ अफसाने हैं अपने अपने जगह पे रोकने के। ये सब लोग CIA और इसके साथ मुझे मिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ धमकी देके उकसा के बुला लेते हैं, हमला करवा देते हैं और उसके बाद ये कुछ भी नहीं करते। तो इसका मतलब ये जान बूझ कर एक उनको एक गेंद देते हैं और वो गेंद पर जो है इजराइल बड़े अच्छे से खेलता है। इजराइल के पास अगर कोई ताकत होती तो 20,000 लड़ाकों से अब तक जंग जीत चुका होता। अब ये खुद हारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की औकात नहीं है कि वो जीत सके। इसलिए मुसलमान जो उनके एजेंट है वो माहौल बना के दे रहे हैं कि भाई साहब हमको हराओ। जो आप कह रहे हैं इसी पर कुछ अंतरराष्ट्रीय पत्रकार इस रूप में पेश कर रहे हैं, इट्स प्लान्ड बाय इजराइल टू क्लियर द एंट्री ऑफ अमेरिका। ये जानबूझकर ईरान में किया गया, यही काम कहीं और भी किया जा सकता था। वो जब वो वापस आ रहे होते उस सरहद को क्रॉस कर लेते ताकि ईरान की एंट्री हो डायरेक्ट और अमेरिका को डायरेक्ट एंट्री के लिए बाध्य होना पड़े। क्या उनकी सोच ठीक है? नहीं नहीं वो बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ ये कुछ नहीं करेंगे। अलबत्ता जो है इधर उधर से कुछ ना कुछ होगा। ये ईरान तो किसी के काम का है ही नहीं ना। ईरान जो कर रहा है, जो भी उकसावे का काम कर रहा है, अमेरिका को बुलाने का काम किसने किया, सद्दाम के साथ लड़ाई शुरू करवाने का काम किसने किया, इसकी आंखों के सामने मिस्र में जो कुछ हुआ, मुर्सी को फांसी दे दी उन्होंने, उन्हीं के लोगों से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, क्या कर लिया, कर्नल कद्दाफी को मार दिया, क्या कर लिया, सद्दाम हुसैन को फांसी टंगा दिया, क्या कर लिया, इनके अपने जनरल सुलेमानी को मार दिया तो इन्होंने क्या कर लिया। कुल मिलाकर रूस और चीन से बड़े बड़े हथियार और जहाज, आधुनिक हथियार लेने के बावजूद ये लोग उनको डब्बे में रख के बैठे हैं। मैंने कहा कि जो 20,000 लड़ाकों के जो कंधे पे मिसाइल मारते हैं और इजराइल की फौज जो है उनसे लड़ने से मना कर देती है, घुटने टेक देती है, इनकी पैंट गीली हो जाती है, उसकी इतनी डरपोक फौज को भी ये मौका देना चाहते हैं मिलजुल के मुस्लिम जगत के लोग कि भाई साहब आप इतना तकड़ा कुछ तो करो ताकि हम ये कह सकें अपनी जनता को, देखो हम अब इनके गुलाम हो गए, तुम ग्रेटर इजराइल बना लो। तो ये मुस्लिम नेताओं का षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह इनके अपने आतंकवादी निकले थे मुसलमानों के ही खिलाफ थे। इसको उस कहानी ये इतनी सीधी नहीं है जितनी लोग समझते हैं। असल में मुस्लिम जो राजा है और मुस्लिम जो नेता है वो पूरे के पूरे पैसों के गुलाम है। वो मौत से सब डरते हैं, सबको पता है ना, को कहीं भी मार दिया जाता है, सबको जिंदगी प्यारी है। तो ये लोग जो है गिफ्ट करके देना चाहते हैं इजराइल को, पर इनके बस का कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए। अच्छा जरा सा मुझे ये बताएंगे, ये जो तुर्की के पास बड़ा भंडार है शस्त्रों का, वो किस काम का? इनके अमेरिका के पास सेकंड भंडार, वो कहता है मेरे पास शस्त्र है। तुर्की के पास वो हथियार है कि नागोर्नो काराबाख में वो घुसता है और जाके जो है वो रशिया के समर्थित आर्मेनिया को हरा देता है और नागोर्नो काराबाख को जो है वो खाली करा लेता है। और मस्कवा जैसा एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो है जहाज जो लड़ाकू उसका बेड़ा था मास्को का, वो डुबो देता है इसका ड्रोन। TB2 ड्रोन के मुकाबले के ड्रोन मौजूद नहीं है, मगर वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिनों के अंदर इनके बीच के अंदर मैंने खुद तुर्कियों से मिलकर बात की है, तो उनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान ही सब कहते हैं, मगर वो लोग जो हैं वो कोई अपनी ही सत्ताओं को हिलाना चाहते हैं, अपने लोगों को ही मारना चाहते हैं। रजब तैयब अर्दोगान की जान भी खतरे में है, वहां बगावत की स्थिति पैदा कर रखी है। तो ये लोग जो है ऐसी कोई जो एक कंसर्न है ना, जो लोग ये मानते हैं कि मुसलमान तो सब एक है, फिर 57 देशों को एक तरफ जोड़ के दिखा दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे फेक नैरेटिव है, ये कभी एक थे ना है ना होंगे, ये कभी एक थे ना है ना होंगे, ये एक दूसरे के दुश्मन है। अगर दो मुसलमानों के घर आपस में हैं तो वो एक दूसरे के बड़े दुश्मन है। अगर उनमें से कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो उसके सिर में हथौड़ा मार के उसका कत्ल कर देंगे। ये लोग अपने लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सच को अगर आप मानना चाहते हो तो मान लो, नहीं मानना चाहते हो ना मानो। चलिए बहुत शुक्रिया जो आपने बताया। इस हिसाब से जैसे वाई जी का आकलन है कि तमाम जो टेलीविजन चैनलों में मीडिया में कथित इस्लामिक और क्रिश्चियन वर्ल्ड के बीच इस घटना से बड़ी जंग होने के आसार दिखाए जा रहे हैं, शायद उनकी जमी सच्चाई माहिर जी, क्योंकि स्वयं अभी वहां कई देशों का दौरा करके आए हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता रहे हैं। और इन तैयारियों के बीच जो एक नकली भय दिखाया जा रहा है कि युद्ध हो जाएगा तो तेल का संकट आ जाएगा, आर्थिक मंदी आ जाएगी पूरी दुनिया में, जब झगड़ा ही नहीं होगा तो मंदी काहे की आएगी। लेकिन फिर भी उस एंगल पर भी हम नजर रखेंगे भाई जी, जो आपने अभी बताया उससे तो भारत या एशिया के अन्य देशों के लिए बहुत खतरे की बात है नहीं, लेकिन फिर भी यदि खून में आगे और जंग हो गई तो खतरे की बात बड़ी सी। खतरे की बात यह है
के भारत की तरफ से भी जो है शायद गडकरी साहब जो है पहुंचे हुए हैं ईरान में, और वो भी उसी तरकीब में शामिल होने वाले थे राष्ट्रपति की। और ईरान के साथ हमारे घने संबंध है, वहां से हमारा उनका तेल का भी कारोबार है, चाबहार जो है हमने उसमें भी मतलब जो है बाकायदा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। रूस के साथ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बचाते हुए जो हमने एक रेलवे ट्रैक रशिया में बनाया है वो पूरा का पूरा कंसर्न ईरान से है। अगर ईरान के साथ युद्ध होता है तो भारत को भारी तकलीफ होगी अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी में भी, और अपनी रूस के रशिया के साथ सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी में भी। तो भारत का बहुत बड़ा कंसर्न है, मगर इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, फिलहाल मेरे ख्याल से काफी हो चुका है। यही मैं चाह रहा था कि आप इस चिंता को व्यक्त कर दें। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।